तो सारे सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे सकती है। आपने 20 साल का यह दौर बिना पेंशन का देख लिया। कई लोगों ने जो ग्रामीण डाक सेवा में काम करते हैं, उनके किसी एक बच्चा बाहर के देश में नौकरी करता था, उसने लिखा कि यह समस्या बहुत बड़ी है, हमारे पिताजी और उनके दोस्तों का की पेंशन नहीं आ रही है, आप उठाइए। ये 2018 की बात होगी या 19 की बात होगी। तो मैं इस विभाग को नहीं जानता था, तो उस लड़के ने कहा कि मैं न्यूजीलैंड या कहीं हूं तो मैं कमाकर अपने पिता को भेज देता हूं। पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है कि सरकारी नौकरी में 40 साल रहने के बाद भी बुनियादी जरूरतों के लिए बेटे पर निर्भर हैं। अच्छी बात है कि उनका बेटा भेज देता है, पर बहुतों के घर में ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि उनके पिता के कई दोस्त गरीबी में मर गए, इलाज की कमी के कारण मर गए। एक एमएलए बनता है, वो फिर एमएलसी बनता है, फिर राज्यसभा का सदस्य बनता है, और फिर वो जब वो लोकसभा का सदस्य बनता है तो 4 पेंशन लेता है। और आपसे कहा जाता है कि हम पेंशन नहीं देंगे क्योंकि अंग्रेजी में 4 एडिटर बैठे हैं, वो आर्टिकल लिखते हैं कि गवर्नमेंट को ये बोझ नहीं उठाना चाहिए। वो पैसा जो सरकार आपके पेंशन में खर्च करती, वो पैसा किसको जाता है? 5 बड़े उद्योगपतियों को जाता है जब उनका धंधा चौपट हो जाता है। तो सरकार जनता का टैक्स लेकर जनता का पोषण पालन पोषण ना करे और 4 उद्योगपति का धंधा डूब जाए तो उनको 5 लाख करोड़ दे और 2.5 लाख करोड़ आपके पेंशन पर खर्च ना करे। और कहा जाता है कि आप एनपीएस में निवेश करें। क्या हम और आप एक ही योग्यता रखते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 है और आपके पास भी 10,000 है, यहां पे 100 लोग हैं, सबके पास 10,000 है। क्या सभी लोग बराबर क्षमता रखते हैं शेयर बाजार में निवेश कर अपने निवेश को बढ़ाने की? उनमें वो क्षमता है, दृष्टि है? मुझ में तो नहीं है, बहुत सारे लोगों में नहीं है। क्या उनको छोड़ा जा सकता है? इसलिए आपकी मेहनत की कमाई टूटती जा रही है और ये प्रक्रिया चली आ रही है लंबे समय से। इसी का नतीजा ये हुआ है कि हम आज इस मोड़ पर पहुंचे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ठप हुई है, नौजवान बेरोजगार हो गया है। तो आपकी जो नौकरी है वो व्यापक आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई है। अगर आप इसको नहीं लाएंगे बहस के केंद्र में, इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, इस पर आप अपने आप को नहीं आजमाएंगे, तो मेरे दोस्तों ये बीच बीच में मेरी 40,000 की नौकरी, मेरी 50,000 सदस्यों की नौकरी, इसको लेकर आप लड़ते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। 17 सितंबर को आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप मेरी बात को सुनो, मेरे बारे में जो ये अफवाहें फैला रहे हैं वो फैलाते रहे। आईटी सेल का यही काम है, उनको मालूम है कि मैं बुनियादी सवाल कर रहा हूं और ये वो सवाल है जो 2017 से उठाने के कारण मेरा मजाक उड़ाया जाता है। पर मैं जानता हूं कि ये गलत हो रहा है, इसका शिकार मैं भी हूं। अगर अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो मेरी भी कमाई नहीं बढ़ेगी। हम जैसे लोग जो ऊपर जा रहे हैं नीचे सड़क के नीचे आ जाएंगे। और आप तो, आपको तो जीवन में 10 साल या 5 साल के लिए ऊपर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। मुझे तो मिला भी, लेकिन मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। और आप जैसे जो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, आप लोगों को एक सिस्टम की नीतियों के तहत बर्बाद किया गया। आप समझिए इस बात को। आपको जिसका भी समर्थक रहना है बनिए, लेकिन रोजगार के सवाल पर जुनून पैदा कीजिए, धर्म के सवाल पर नहीं, जाति के सवाल पर नहीं, वरना आप बेरोजगारी के दौर से गुजरते हुए बुढ़ापे में जाएंगे और तब आपके लिए वो 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा के लिए होंगे, जिसे प्रधानमंत्री ऐसे बताते हैं जैसे 1 करोड़ रुपए उनकी झोली में डाल दिया हो। अपना पेंशन बता दें विधायकों का या सांसदों का, उसकी तुलना में अब आप और हम रिटायर होंगे तो 5,000 रुपया पेंशन नहीं होगा हमारा, हम कैसे जिएंगे, ये हमारा सवाल है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर सरकार 10-10 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के बेलआउट पर खर्च कर सकती है, जो संख्या में सिर्फ 10 होते हैं या 100 होते हैं, तो सारे सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे सकती है। आपने 20 साल का यह दौर बिना पेंशन का देख लिया। कई लोगों ने जो ग्रामीण डाक सेवा में काम करते हैं, उनके किसी एक बच्चा बाहर के देश में नौकरी करता था, उसने लिखा कि यह समस्या बहुत बड़ी है, हमारे पिताजी और उनके दोस्तों का की पेंशन नहीं आ रही है, आप उठाइए। ये 2018 की बात होगी या 19 की बात होगी। तो मैं इस विभाग को नहीं जानता था, तो उस लड़के ने कहा कि मैं न्यूजीलैंड या कहीं हूं
तो मैं कमाकर अपने पिता को भेज देता हूं, पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है कि सरकारी नौकरी में 40 साल रहने के बाद भी बुनियादी जरूरतों के लिए बेटे पर निर्भर हैं। अच्छी बात है कि उनका बेटा भेज देता है, पर बहुतों के घर में ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि उनके पिता के कई दोस्त गरीबी में मर गए, इलाज की कमी के कारण मर गए। ये कब तक आप गोदी मीडिया का न्यूज चैनल और आईटी सेल देख देख कर ये तमाशा करेंगे? कब तक होने देंगे? इससे आपको क्या मिला? ये आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे नौकरी पर चर्चा करनी चाहिए। मैं क्यों पढ़ रहा हूं एक अर्थशास्त्र, ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। दो आज भी दो नेताओं ने कुछ बेहूदगी से भरे बयान दिए होंगे, उनको लेकर मैं आधे घंटे में काम कर सकता था, अपना एक घंटे का प्रोग्राम बिता सकता था। मैं सुबह से उठ के ये क्यों पढ़ा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि हम सब की जिंदगी इतनी तबाह क्यों है, क्यों चैन नहीं है। आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया, लेकिन आप ढंग से चाय नहीं पी सकते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि आपके पीछे दिमाग में यह डर है कि कोई बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए पैसा नहीं होगा। और इसीलिए क्यों? क्योंकि सरकारी अस्पताल जानबूझकर डुबा दिए गए।